ये देखिए मेरे पास असेंबल टावर एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है दोस्तों। देखिए ये लोकल है और ये हाथ से बनाया गया है, मतलब कोई भी बना सकता है, अगर आप भी बना सकते हैं दोस्तों। इसमें दो स्पीकर 4 इंच का लगा हुआ है, एक ये और ये ब्लूटूथ पैनल है। और इसके अंदर देखते हैं कौन सा कार्ड लगा हुआ है। बहुत मतलब इसका जो बनाया हुआ है जोएलेट कंपनी का, इस पर स्टिकर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये लोकल है, ये होममेड तैयार हो सकता है, घर पर ऐसा बाजा तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फाल चेक करेंगे। तो ग्राहक बोल रहा है कि इसमें लाइट आ रहा है और ये मतलब चल नहीं रहा है, इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैन इसमें लाइन देंगे, तो लाइट देते हैं इसको और इधर कर लेते हैं। और देखिए मैंने प्लग को घोंस लिया और उसके बाद देखिए दोस्तों बड़ा गजब का लाइट इसमें जल रहा है, रेडियम कलर RGB। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देखिए मैं आवाज़ तेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आवाज़ तेज नहीं हो रहा है। ये वॉल्यूम है, ये बेस, ये ट्रेबल, तो आवाज़ तेज नहीं हो रहा है और इसमें सारा लाइट कुछ आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि फॉल्ट कहाँ है और क्या चीज़ ख़राब होने की वजह से आवाज़ नहीं आ रहा है। तो इसको लाइट से निकाल लेते हैं बाहर और उसके बाद इसको खोलते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए पीछे एक भी पेच नहीं लगा हुआ है खोलने के लिए, तो ये आगे से ही खुलेगा। तो सबसे पहले ये वाला इसको निकाल कर देखेंगे कि कार्ड इसी में है या कहीं और है, तो इसको खोल लेते हैं। मैं अपने मोबाइल को स्टैंड में सेट करके आप लोग को आगे दिखाता हूँ। तो मैं अपने मोबाइल को सेट कर लिया और इसको ऐसे रख लेते हैं और उसके बाद इसको खोलते हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो इसमें इसमें एक नट और यहाँ पर एक नट दिया हुआ है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। लग रहा है ग्राहक भी घर पर खोला है। आजकल कोई भी मिस्त्री बन रहा है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वही तो सिखा रहा हूँ कि कोई सी का भी सामान हो अपने से ठीक करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो मैकेनिक है काम करने के लिए आपका। तो दोस्तों देखिए इसमें ये बस ब्लूटूथ कार्ड दिया हुआ है और ये वॉल्यूम वाला, तो यहाँ तो अब नहीं है। अब आगे खोल लेते हैं, इसको वैसे ही कस लेते हैं, ये सब ठीक है। सिर्फ दोस्तों इसमें लाइट आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, तो और कुछ ख़राब होगा। तो इसको कस लेते हैं पहले, ये हो गया। और इसके बाद ये चारों पेज को फटाफट से मैं खोल लेता हूँ, तो मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लेता हूँ। तो लास्ट वाला एक पेच बचा हुआ है और इसको भी मैं खोल लिया। देखिए दोस्तों इसमें ही ये रेडियम का लाइट जो बर रहे थे यही लाइट है। इसको भी इसमें दो नट दिया हुआ है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। बहुत इसमें सस्ता वाला स्पीकर दिया हुआ है, तो स्पीकर का भी नट खोल लिया और उसके बाद इसको भी बाहर निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें ही कार्ड दिया हुआ है, रुकिए 1 मिनट आपको साइड में करके दिखाता हूँ। और कुछ देखिए यहाँ पर एक पेच लगा हुआ, कार्ड को भी बाहर निकाल लेते हैं। रुके दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीचे साइड में पेच लगा हुआ है। निकल गया। और उसके बाद ये कार्ड देखिए दोस्तों, ये कार्ड का नाम है 6283। ये सारा मतलब कंपोनेंट के सही थे। अगर नया कार्ड आप खरीदते हैं तो आप लोगों को मार्केट में 60 रुपये का मिलेगा। तो दोस्तों मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इस पर लिखा हुआ है 6283। तो मेरा अभी थोड़ा सा मोबाइल का चार्ज कम हो गया, इसी की वजह से लाइट नहीं जल रहा है। तो थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, स्टैंड से बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये यही 6283 IC है। मतलब इसका मतलब अगर आप नेट पे सर्च मारेंगे कि ये कौन सा कार्ड है इस गूगल लेंस से, या ऐसे 6283 लिखेंगे तो इसका कार्ड ऐसा ही आप लोगों को मिलेगा। तो और इस देखिए ये अपरोट कितने वोल्ट होता है, ये देखिए एक इसमें 2 एम्पियर का 12 012 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 012 ओनली 012 का। और इसमें एक कार्ड को चलाने के लिए 7805 का, ये 7805 ये IC लगा हुआ है, तो इतना से ही कार्ड चलता है। तो देखिए ये अब इसको हम IC को चेंज करेंगे, ये IC तो फट गया है, तो
तो मार्केट में जाएंगे, आईसी आप लोगों को पता ही होगा कितने में मिलता होगा। तो मार्केट में इसका आईसी का रेट होगा 50 से 60 रुपये। अगर आप बना रहे हैं तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लीजिए ग्राहक से। तो मैं इसका आईसी चेंज करता हूँ और उसके बाद आप लोगों को बजा कर दिखाऊँगा कि बज रहा है कि नहीं। तो चलते हैं इसका आईसी चेंज करने, रिपेयरिंग काउंटर पर इसको लेकर चलेंगे। तो अब इसको आईसी को देखिए बाहर निकाल लिए हैं। ये पीछे वाला मतलब इसमें आईसी था जो ये देखिए ख़राब हो गया था, फट गया था आईसी। अब इसमें मैं मार्केट से नया आईसी लेकर आया हूँ और इसी को डालूंगा। तो देखिए मैं कितने क्लीन से यहाँ से आईसी निकाल लिया हूँ बाहर और इसको डालूंगा। तो ये पेस्ट है और पेस्ट में आईसी को ऐसे डुबा लेंगे और उसके बाद आईसी को ऐसे सीधे पकड़ के जो जिस साइड लिखा हुआ है उसी साइड से ऐसे बराबर में लगाएंगे और उसके बाद इसको शोल्डरिंग कर लेते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक शोल्डरिंग इस पर अच्छे से कर लेंगे। पहले साइड वाला का शोल्डरिंग कर लेंगे और उसके बाद इस साइड वाला का शोल्डरिंग कर लेंगे ताकि ये दोनों साइड से चिपक जाए और शोल्डरिंग करने में आसानी रहे। देखिए दोस्तों, और आपको पास से दिखा दे रहा हूँ कि मैं कैसे शोल्डर करता हूँ। तो दोस्तों देखिए कितना बेहतरीन शोल्डर हो गया है और इस पे हीट सिंक मैं कस लेता हूँ। पुराने वाले से बाहर निकाल कर मैं इसका हीट सिंक कस लूँगा। तो आईसी का मैं इसमें लगा दिया बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने लाइव। थोड़ा सा वीडियो कट इसलिए करना पड़ता है, मैं दोस्तों अकेले हूँ और ये वीडियो शूट अच्छे से करने नहीं आती है क्योंकि वो छोटी बच्ची है। तब इसकी बारी आती है टेस्ट करने के लिए। तब इसका जो मेन है मेन प्लग इसको खोस लेता हूँ और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों FM mode. देखिए दोस्तों तो ये चालू हो गया है। देखिए मैं ऑन करता हूँ तो FM mode. अब इसको प्रॉपर मैं कस लूँगा और आपके सामने ये लाइव प्रूफ बन गया। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब जब वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर ऐसे और नए नए वीडियो चाहिए होम थिएटर से रिलेटिव तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़।